जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों ने सुना होगा आत्मा अजर अमर है। भगवान शिव के संदर्भ में भी आप लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको भगवान शिव का सनातन रहस्य पता है? क्या आप लोग आत्मा के सनातन रहस्य को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने वही रहस्य रख रहा हूं जिसे आप लोगों को पता होना चाहिए। सनातनियों, भगवान शिव इस धरती का तत्व है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी तत्व भगवान शिव ही है। शिव से ही इस सृष्टि का निर्माण होता है, यानी इस पूरी सृष्टि को अगर उसका संहार करना है और सृजन करना है तो ये सारा कार्य भगवान शिव के अधीन है। ऐसे में आप लोगों ने यह सुना भी होगा कि देवों के देव महादेव हैं। आखिर उन्हें देवों का देव महादेव क्यों कहा गया? यानी समस्त देवताओं के भी महादेव, यानी सारे देवता भी जिनके अधीन हैं वो महादेव हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? और क्या सिर्फ देवता ही उनके अधीन है? गण भी उनके अधीन है, हम मनुष्य भी उनके अधीन हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी वो शिव तत्व है। और प्रेत, भूत प्रेत, अघोरी, ये सब भी भगवान शिव के अधीन है। शमशान में भी भगवान शिव का वास है और मुर्दे की राख यानी भस्म को भी भगवान शिव अपने तन पर लगाते हैं। आखिर ये सारी की सारी चीजें भगवान शिव के साथ क्यों जुड़ी है? इस बात के रहस्य को जरा ध्यान से समझिए। हमारे अंदर गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि श्रेष्ठ गुण हमारे अंदर हैं, तो हम देवताओं की श्रेणी में आते हैं। और गुणों के आधिपत्य देवता ये भगवान शिव के अधीन आते हैं, इसीलिए इन्हें देवों का देव महादेव कहा जाता है। लेकिन जब हमारे गुण अवगुणों में परिवर्तित होने लगते हैं तो हमारी अवस्था फिर देवताओं की ना रहकर गणों की हो जाती है। गण यानी गुणों में कुछ कमी, देवताओं के गुणों में और गणों के गुणों में कुछ कमी अवश्य होती, यानी कि देवताओं से कम गुण गणों के पास होते हैं, लेकिन वो भी भगवान शिव के अधीन है। इसीलिए सारे गण भी भगवान शिव के अधीन आते हैं, क्योंकि शिव तत्व की उपस्थिति देवताओं में भी है तो गणों में भी है, इसीलिए शिव के पास गण भी पाए जाते हैं। अब गणों के अंदर भी यदि कुछ अवगुण आ जाएं, उनके अंदर भी वो गुणवत्ता ना रहे, तो फिर वो मनुष्य की योनि में आते हैं। मनुष्य योनि में आने के पश्चात भी हमारे भीतर वो शिव तत्व विद्यमान रहता है। ऐसे में हम मनुष्य योनि के अंदर भी जब अपना जीवन यापन करते हैं और यदि हम अपने गुणों को नहीं पहचानते हैं और अपने गुणों में वृद्धि नहीं करते हैं, अपनी गुणवत्ता में वृद्धि नहीं करते हैं, तो फिर हमारी एक गति और होती है कि हम प्रेत योनि या पिशाच योनि में जाते हैं। लेकिन मनुष्य योनि के अंदर भी यदि हम हैं तो इस मनुष्य योनि का भी एक अंत अवश्य होता है। हम शमशान में जाते हैं, राख में तब्दील हो जाते हैं। तो यहां पर जब हम राख बन जाते हैं तो वो राख भी भगवान शिव अपने शरीर पर धारण करते हैं, यानी हमारे इस शिव तत्व को उन्होंने यहां भी नहीं छोड़ा, इसे भी उन्होंने अपने साथ रखा है। ऐसे में हमारे मनुष्य योनि के अंदर हमारे इस शरीर के मिट जाने के बाद भी हम आत्म तत्व के साथ भी और इस राख के साथ भी भगवान शिव से जुड़े रहते हैं। और जब हम प्रेत योनि में चले जाते हैं तो प्रेत योनि के अंदर भी हम भगवान शिव के साथ कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव की सभा में, भगवान शिव की सेना में भूत प्रेत पिशाच सभी सम्मिलित हैं। ऐसे में भगवान शिव के तत्व से उत्पन्न हम किसी भी योनि में, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हमारा संबंध शिव से कभी अलग होता ही नहीं है। और इसीलिए कहा गया कि हमारी आत्मा अजर अमर है, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्म तत्व है वही शिव तत्व है, और शिव तत्व से हम कभी अलग हो ही नहीं सकते, चाहे फिर हम प्रेत योनि में हो, मनुष्य योनि में हो,
गण हो या देवता हो। इसीलिए भगवान शिव के तत्व से ही इस सृष्टि का निर्माण होता है और आत्मा का जन्म भी भगवान शिव के इसी तत्व से होता है। और ये तत्व भगवान शिव के साथ हर अवस्था में कनेक्टेड है, इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा अजर अमर है। और भगवान शिव के भी तीन रूप यहां हमें देखने को मिलते हैं। हम महादेव भी कहते हैं, हम शंकर भी कहते हैं और हम शिव भी कहते हैं। जब महादेव अपनी गृहस्थी के साथ हैं तो वहां हम उन्हें महादेव कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं। लेकिन जब वो मोहिनी के संग में होते हैं, अपनी शिव शक्ति के रूप में होते हैं, तो हम उन्हें शंकर कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि वो उस समय पर इस प्रकृति के निर्माण की प्रक्रिया में होते हैं। और जिस वक्त उस शिव तत्व को किसी जगह स्थापित किया जाता है विस्तार के लिए, तब वहां शिवलिंग की स्थापना की जाती है और तब हम उन्हें शिव कहते हैं। इसीलिए शिवलिंग के रूप में है तो वहां शिव संबोधित किया जाता है, जब मोहिनी रूप में है तब वहां शंकर का प्रयोग किया जाता है, और जब वो अपनी गृहस्थी के साथ मां पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान है तो वहां उन्हें महादेव कहा जाता है। इसीलिए तीन अवस्थाएं भी भगवान शिव की है, जो अलग अलग कार्यों को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव अपने अलग अलग रूप के अंदर इस संसार के नियमों की पालना भी करते हैं, उसे सुचारू भी करते हैं, और इस संसार के निर्माण की और इस संसार के विध्वंस की यानी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के लिए भी शिव अपने ही इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए भगवान शिव के संदर्भ में आपको कितना पता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान शिव इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो शिव तत्व है जिनके बिना इस संसार की रचना की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।